ओ साहब आप भी जानते हैं कि जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस के इंडिया में, इससे हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और जो खौफ की फिज़ा है वो कायम करके रखी है कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने। और अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा हमारे पास है कोरोना वायरस SOPs को फॉलो करना। ये बहुत बड़ा और बेहतरीन इनिशिएटिव है जो यहाँ पर प्रेस क्लब श्रीनगर में सहाफ़ियों ने यहाँ पे लिया है और सहाफ़ी सुबह से ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ कश्मीर प्रेस क्लब और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था ये इवेंट, कि यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट के बगैर जो सिविलियंस हैं उनको भी जो है वैक्सीनेशन किया गया। मैंने पहला डोज लिया आज और ये जो मिथ्स है इसके बारे में कहा जाता है कि ये ना लिया जाए, इसके कोई साइड इफेक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, मैंने पहला डोज लिया। और मैं सब दोस्तों को कहा, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आइए इंजेक्शन, ये जो वैक्सीनेशन है इसका जो इंजेक्ट कीजिए। देखिए, जिस तरह से पूरे मुल्क में अभी कोविड का कहर बरपा हुआ है, वही कश्मीर भी से छूता नहीं है। कश्मीर में भी आए रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कल की बात करें तो 2000 से ज़्यादा केस यहाँ पे आए थे। तो इससे बचने के लिए वैक्सीन करना बेहद ही ज़रूरी है। वैक्सीन की जो एफिकेसी है माहिरीन बता रहे हैं कि 60 से 70 से करीबन इसकी एफिकेसी है, तो इस ये कराना बेहद ज़रूरी है। मैंने भी आज अपना पहला डोज लिया है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये वैक्सीन कराए और इस कोविड से बचें। की तरफ से जो ये जो ड्राइव करी गई यहाँ पे, ये बेहद अच्छा स्टेप है। यहाँ पे सिर्फ जर्नलिस्ट को ही नहीं, आम लोगों को भी यहाँ पे ये सुविधा मैसर रखी गई। तो प्रेस क्लब इंतजामिया की तरफ से ये बहुत बेहद